स्वामी प्रभुपाद जी इन नदी श्री पूरी वही है जन्म हुई और जितने रामानुज मधु और विष्णु स्वामी निपाल ये जितने बड़े बड़े हमारे चार संप्रदाय के वैष्णव हुए ये सब के सब कहाँ पर जन्म हुए यदि सब के सब श्री उड़ीसा में हुए कभी जो उड़ीसा है पहले ये उड़ीसा बहुत दूर पर था लेकिन धीरे 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 दूसरे दूसरे देश में मिलते अभी उड़ीसा छोटा रहा लेकिन पहले ये उड़ीसा बहुत बड़ा था। इसलिए जितने बड़े बड़े संत हुए बहुत बड़े बड़े प्रभुपाद का परिकरम कभी भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज भक्ति वैभवी गोस्वामी महाराज और प्रभुपाद के बहुत बड़े बड़े उसी कड़ी में हमारे श्री गौर गोविंद महाराज भी इन्होंने भी उड़ीसा में इन्होंने जन्म ग्रहण किया कर उन्होंने उड़ीसा में कौन सा गांव में जन्म लिया है कर उनका गांव का नाम है कदाई कदाई गिरी गिरी मतलब होता है पर्वत कदाई मतलब हमारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर कदाधर कौन है श्री राधा रानी कदी कदाई वृंदावन में श्री बरसाना है राधा रानी का स्थान है उसी तरह मेरा जन्म भी गदाई मतलब श्री राधा रानी का नाम पर पर्वत का नाम है उसी गांव में ही ये महापुरुष जन्म ग्रहण किए इसलिए कहते मेरा जो परिवार है वृंदावन में तो एक माता जी थी जिनके घर में ही गोपाल की पूजा ठाकुर की पूजा उन्होंने स्वयं स्वप्न दिया है बोले तो मेरे को लेकर के तो उनका परिवार में जा करके देख करके आओ तो उन्होंने तो आपको स्वप्न तो जैसे सोचा कोई स्वप्न होगा थोड़ी कोई सही बात हो उन्होंने लिए निष्ठा ठाकुर को स्वप्न दी बोले मैंने कहा था मेरे को लेकर के उनको परिवार में देख करके आ फिर उन्होंने ठाकुर को लेकर उनको परिवार में मतलब ऐसे एक परिवार में जन्म हुए जिस परिवार में ठाकुर स्वयं वृंदावन में जो ठाकुर भी रहते थे ये ठाकुर जी स्वप्न देकर भी जिनके परिवार में ठाकुर जी आए हैं इसलिए इनकी जो महापुरुष थे कभी ये बचपन में इनका जो परिवार है इनकी जो मामा जी जो परिवार है वो बड़े उड़ीसा में बड़े प्रसिद्ध कीर्तन करता है कीर्तन रहता है बड़े बड़ी अच्छी कीर्तन करने वाले के परिवार में इनके मामा जी के वंश में परिवार भी इनको हुए इसलिए कहते एक समय इनकी जो ठाकुर स्वप्न देख रहे आए थे जब ये ठाकुर को चोर ने चोरी किया है हैं जब चोरी करके ले गए ना थोड़ी दूर बाद में गए तो अंधे हो गए सबके सब अंधे हो गए ठाकुर को ले नहीं पाए और अंधे होकर भी पड़ गए सबने जब देखा ठाकुर जी कहाँ देखा अरे एक चोर ले कर गए और देखा सबके सब वहीं पर अंधे हो गए और कोई जा नहीं पाए घर को जा करके उनको पिटाई किया और ठाकुर जी वहाँ से वापस ले करके आया जैसे इन्होंने जो काम करते थे मास्टर थे पढ़ाई पढ़ाया करते थे स्कूल में पढ़ाया करते थे कहते इनकी जितने संतान हुई है बताते हैं कहते हम लोग शादी क्यों करते हैं शादी का मतलब नहीं विषय भोग करना ही ये शादी का मतलब है शादी का मतलब है बोले पुत्रार्थे क्रियते भाज्या इसलिए स्त्री को स्वीकार करते हैं केवल अपना वंश विस्तार अपना संसार को बढ़ाने के लिए ही संसार करते हैं लेकिन इनकी इतने जितने पुत्र थे इनके जितने संतान हुए ना जितना बार स्त्री सहवास किया उतना बार ही संतान हुए उसको बाद में स्त्री का कोई सहवास उन्होंने नहीं किया इसको बाद में इनको जब इनकी ज्ञान हुई भगवान की दुर्लभ जीवन दिया है दुर्लभ जीवन दिया है हमारे
कोई डर नहीं होता था गांव गांव में, है ना। हमने जो बचपन में गांव गांव में जैसे भागवत पढ़ाई होती थी, महाभारत भागवत ये रामायण ये सब बैठते थे, ढोल टोली होती थी उसमें बैठते थे, और शाम को गांव के लोग काम करके सबके सब गांव के लोग वहां पर आकर के एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर के वहीं पर बैठ करके सब ये ग्रंथ सुनते हैं, शास्त्र सुनते थे। इसलिए सुनने का नाते इनके हृदय में स्वाभाविक रूप में इनके हृदय में रहता था, क्योंकि सब सब शास्त्र एक ही बात कहता है, भगवान की दुर्लभ जीवन दिया है, ये जीवन बारम्बार ठाकुर जी देते नहीं, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला, जीवन पा करके भगवान की भजन करनी चाहिए, नहीं तो वो नर्क है, नर्क पास उनको मिलेगा। इसलिए बचपन में और जिस वंश में एक व्यक्ति साधु हो जाए तो उसका एक ही सिद्धि उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग बचपन में ये सब सुनते थे सुनते थे सुनते थे सुनते सुनते हमारे ज्ञान हुआ नहीं, भगवान ने जीवन दिया, भगवान की भजन करने के लिए इसे भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए इनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये जीवन दुर्लभ है और जीवन पा करके भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए उनको पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन होते हुए बिना हमने संसार को उन्हें परित्याग किया, संसार को परित्याग करके उन्होंने भजन करने के लिए आए। जब भजन के लिए आए इतने में बीच में एक नदी बढ़ती थी, अभी लबालब पानी भरा हुआ, अभी वो नदी को कैसे पार करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक व्यक्ति है नाभी को कर देती है नाव को चलाते करते, कहाँ से व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आकर बोले नाव पार नदी पार करोगे, बोले हाँ नाव में बैठे और उन्हें नाव में बैठा करके उनको उन्होंने नदी पार करा दिया। और उन्होंने जब घर छोड़ कर गए भजन करने के लिए, जैसे हम लोग भी बचपन में बालकृत की कथा सुनते थे, बड़े बड़े संतों की कथा सुनते थे, जट्टा जुट होता था है सुनते थे ना, साधु लोग पहले जट्टा जुट होता था और क्रिया नहीं करते थे और बैठ करके जैसे हम सुनते थे बचपन में राम, लेकिन उसको मुझसे राम नहीं निकला, पहले तो बोलते ना बराबर राम बराबर हो। इसलिए हम मन मन में यही सब सुनते थे, यही मन भाता था, जंगल में कहीं जाएंगे बैठ कर राम 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 है जैसे सुनते हैं ना मन में वैसे भावना। इसलिए इन्होंने भी सुना था इसे जा कर के उनको बड़े जटत था, केस सुंदर नहीं किए जटा जुट था और भगवान के नाम के सहारा लेकर के घर से निकले, बड़े भूख लग रहा था, जब भूख लग रहा था उन्होंने कोई सी मंदिर में आए और इनको जटा जो साधु देते उन्होंने फल उनको मिला, मतलब फल खा लिया, फल खा के उन्होंने ऐसे भ्रमण करते 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 इन्होंने कहाँ पर भ्रमण करते करते आए, उन्होंने वृंदावन में जो ईश्वर मंदिर सब जानते वृंदावन में, चलो सब सुनते ना वृंदावन में सब साधु संत रहते हैं, इसलिए वृंदावन में भगवान की हम भक्ति करेंगे। ये वृंदावन में आए, लेकिन जब वृंदावन में आए, लेकिन अगर कोई इसका सब सौभाग्य होगा ना तभी जीवन में आपको कोई सुंदर साधु मिलेगा, अगर सब सौभाग्य नहीं होगा ना आपको साधु पद नहीं मिलेगा। वृंदावन गए कौन गए करीबा लगाए, आप देखना वृंदावन में जब करीबा लगाओगे वहाँ पर देखना सब साधु लोग कैसे साधु, कोई भजन भजन सिद्धि का कोई मतलब नहीं, वहाँ पर कहते वहाँ पर जा करके कहते वहाँ पर अलग अलग जगह कहीं चाय मिलता है, कहीं बिस्कुट मिलता है, कहीं केला मिलता है, कहीं छोले मिलता है, काशी के दिन आनंद मिलता है। इसलिए जब वो आश्रम में दुनिया में कहते जो भगवा कपड़ा जो पहनेगा गौरी कपड़ा उनको ही ये प्रसाद मिलेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग जो कपड़ा पहनते हैं इसीलिए वो जो खाना एकादश में भी जा करके वो छोले खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और बिस्कुट खा रहे हैं, वो आश्रम को भी पता नहीं और साधुओं को भी पता नहीं, एकादशी व्रत रखनी चाहिए। कारण क्या है और उन लोग का क्या काम है, बस भिक्षा मिला, अलग अलग जगह भंडारा हो रहा है, लाइन लगा के खा गए सो गए, जटा जट हो गया, हरिनाम नाम से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं। अभी बाहर लोगों को
शक्तिशाली होनी चाहिए। और जैसे तैसे सुकृति नहीं, भक्ति उन्मुख सुकृति, जिन्होंने ऐसे कुछ सुकृतियाँ की है जो कि भक्ति को प्राण है, ऐसे सुकृति होनी चाहिए। तब ही करके गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। अभी गुरु जी को पास में हमें कौन ले जाएंगे, हमें ले जाएंगे कौन कहते ठाकुर, तो कृष्ण का कहते जगत गुरु कृष्ण ये जगत गुरु कौन है, भगवान कृष्ण ही ये जीव को ले जाएंगे। अगर भगवान कृष्ण अगर जीव को नहीं ले जाए ना भैया करना पता नहीं कौन सा साधु भी चक्कर में पड़ चुका है, खाने और पेट पहनने और सोने वाले किस साधु के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर तो भक्ति बढ़नी। तो जैसे कोई व्यक्ति पहले जब आता है ना वृंदावन, उसका श्रद्धा कोमल श्रद्धा, उसकी श्रद्धा कोमल श्रद्धा होता है, वो इतना पुष्टिकर श्रद्धा नहीं होता है, हैं इसको इतना दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है, वो जानता है साधु कहते हैं इसको, बोले जो लाल कपड़ा पहने हो गए साधु, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो साधु है हैं, वो तो साधु है ही नहीं, मुझे तो पता नहीं साधु का क्या लक्षण है, साधु कहते हैं किसको, वो सोचते हैं जो कपड़ा पहन कर के आएंगे वही साधु है। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो इधर उधर का किसी चक्कर में नहीं पड़े, पर नहीं पड़ करके हम उसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में हम आ गए। शुद्ध वैष्णव परंपरा नहीं तो हम भी ऐसे बीड़ी फूकने वाले गंजा खाने वाले वृंदावन में देखो बैठे गंजा फूकता हुई बीड़ी पीते हुए देखो, जिनके हरिनाम हरिनाम से कोई मतलब जिनकी कुछ है नहीं। इसलिए अभी उन्होंने सुना वृंदावन में भगवान की भक्ति करने वाले भजन करने वाले संत रहते, लेकिन उनका भक्ति उनकी स्फूर्ति बढ़िया है, इसलिए उनको लाते लाते कहाँ ले आए, वो इस्कॉन मंदिर। जब इस्कॉन मंदिर में आए तब उन्होंने जानते हैं कहते बिन गुरु भवरी की तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम हो ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, लेकिन अगर सदगुरु ग्रहण नहीं कर तो जीव उधार नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने किसी गुरु की तलाश है, आकर उन्होंने इस्कॉन मंदिर को देखा, तब वहाँ पर गए जाकर के बोले यहाँ पर कोई गुरु जी है लेकिन भगवत इच्छा, वहाँ पर भक्ति वेदांत श्रृंगला स्वामी महाराज रहते थे, तब उन्होंने गए उनको साथ में मिले, मिल करके उन्होंने बड़ी समय तक उनको साथ में उन्होंने बातचीत किया, क्योंकि पहले भी ये शास्त्र गीता भागवत रामायण भी पढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने जाकर के बहुत उन्होंने डिस्कशन उनको साथ में किया। लेकिन जो स्कूल के जो दूसरे दूसरे जो भक्त लोग थे मिले कौन से साधु, ये भी जटा जो दाढ़ी इनका भी था हैं, इन्होंने जब जब गए बोली कौन साधु आ गया, कभी तो स्वामी महाराज के पास में जा कर के उनके पास में इतना समय नहीं होता था, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतना समय देते इतना समय नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक तो उन्होंने इतना प्रचार काम करना, फिर सारे ग्रंथों को रचना करना, इतना काम करके गए थोड़ी देर के अंदर में इतने काम उन्होंने काम किया, और 70 साल उम्र में विदेश में गए कोई साधारण ही बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भले कौन साधु आया इतना समय तक किसको साथ में कहीं बात नहीं करते, क्यों जो सदगुरु होते हैं ना वो शिष्य को देख कर पहचान जाते, ये कोई साधारण नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनकी भावना को देख करके उनकी बात बड़े समय तक बात किया, फिर बात करके सब डिस्कशन करके उन्होंने फिर उनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया, और दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हुए फिर उन्होंने बाद में उन्होंने फिर उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन जो संन्यास लिया उन्होंने मायापुर में संन्यास लिए, कहते दो व्यक्ति को संन्यास स्वामी महाराज दो व्यक्ति को संन्यास देने को कहा, लेकिन वहाँ पर जो दंड बन रहे थे तीन, बोले भैया दो संन्यास तो दो व्यक्ति होंगे और इनको ये तीन दंड क्यों बन रहा है, तीन दंड क्यों बन रहा है। और बाद में देखा तो संन्यासी दो तो विदेश थे और एक हमारे इनके लिए, तो वहाँ पर कुछ कुछ संन्यास के को प्रश्न कर दिया, बोले तो नहीं आया है अब इसको इतने जल्दी आप इसको संन्यास क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया बोले जानते हो ये कहाँ पर जन्म होंगे, बोले उड़ीसा में, बोले ये जन्म से ही तुमका भजन करो, तुम कब से आए हो अंग्रेज लोग कब से आए हो कितने दिन से तुम आए, इन्होंने बचपन से जन्म से ही वैष्णव परिवार में जन्म ग्रहण किए,
जन्म से हीरा मुसीब होती है हैं, हर तुम लोग को गो मांस खा कर खा रहे होगी, और ये सब के सब वैष्णव ही जन्म से ही वैष्णव परिवार में जन्म, और इनकी कीर्तन बड़ी प्रसिद्ध कीर्तन वंश से भी जन्म होगी। यदि बचपन में ये कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते कृष्ण प्रेम में ये बेहोश हो जाया करते थे, बोले बचपन जन्म से ही वैष्णव है हैं, इसलिए इनको संन्यास ग्रहण किया। संन्यास दे करके इनको बोले देखो तुम उड़ीसा में महाप्रभु का भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी के आशीर्वाद नगरा देगा सर्वत्र प्रचार है मरना, ये भगवान की भविष्यवाणी है। एक दिन यही आएगा सारे दुनिया में महाप्रभु का वाणी प्रचार और प्रसार महाप्रभु का वाणी होगा, तो इनको ऊपर में बोले जाओ तो उड़ीसा में जा करके प्रचार करो। तो उन्होंने आए आकर के उन्होंने उड़ीसा में आए जब आए हैं, जब उड़ीसा में आए उन्होंने बोले भैया गुरुदेव पैसा भी नहीं थी, जब पैसा लेकर के जाओ और वहाँ पर प्रचार और प्रसार कर, कोई पैसा नहीं थे तो आदेश दे के जाओ उड़ीसा में प्रचार कर, खाली हाथ में आए। जब खाली हाथ में आए तो उन्होंने कहा नहीं आगे के भुवनेश्वर में वहाँ पर मंदिर है, तब उन्होंने आगे के बोले भैया रहेंगे कहाँ, तब पूछ रहे थे तो जंगल में कोई कुटिया था, किसने बोल दिया देखा बाबा कहीं रहकर भजन करना चाहते हैं जाओ ये कुटिया में, लेकिन पहले उसमें भूत रहता है, कुटिया में भूत रहता था है, जानते हैं बाबा लोग जहाँ था रह जाएंगे पास उसी कुटिया में उनको, इसमें भूत रहता था उसी कुटिया में उनको रहने के लिए जंगल में दिया, और ये तो संत है वो जहाँ जाते हैं पास संतों के पास भूत को भी मुक्ति मिली जाती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हुए, एक भक्ति मनोहर ठाकुर का समय में भी वो जब प्रचार कर रहे थे उनको भी एक भूत का घर में दिया, और वो किसी घर में जो रहता था वो दूसरे दिन जिंदा नहीं रहता था, भूत मार देता था। भक्ति मनोहर ठाकुर को भी प्रचार करते करते कोई भूत का घर दिया, लेकिन वो जब घर में रहे ना तो गाँव के लोग देखे हमें बाबा घर में रहो भजन करो, और क्या उन्होंने दूसरे दिन सोचा तो मर गया होगा, लोग देखने के लिए आए और क्योंकि घर में जो रहते मर जाते भूत मार देता है। जब आए सतमुच से उस घर में भूत प्रकट हुआ, और भक्तिमन ठाकुर का महाभागवत है ना, इनकी कृपा से भूत को मुक्ति मिल गई, भूत को उद्धार हो गई है, भूत को उद्धार हो गई। दूसरे दिन देखने के लिए आए तो बाबा मर गया होगा, और आगे देखा बाबा तो जिंदे हैं, बाबा जिंदे कैसे, तब उन्हें सारी बात बताई, रात को भूत प्रकट हुआ था और भूत को भगवान नाम दिया, उसी नाम से भूत को भी उद्धार हो गया हाँ भूत का। हम लोग भी जब मोहन नगर में एक उम्र भूत था, वो चार साल से उसको उम्र भूत थी और किसी तरह से जा ही नहीं रहा था, उसको एक लड़की थी लेकिन वो हरिनाम ली माला कंठे में माला ली, लेकिन बीच में तब भी उसको उम्र में भूत आया करती थी, उसको भूत आती थी, लेकिन वो भूत किसी तरह से नहीं, और एक आगे दो तीन भूत थे, फिर उसका गला ही बदल गया है, गला दूसरे भूत आ गए, फिर उनको फिर दो बार मंत्र करके फिर पानी दिया, जब उसको पानी दिया दो बार जब उसने मंत्र को पानी पी फिर उसने बेहस हो गया, बेहस हो करके फिर जब उसका होश आया तो उसने होश आते ही अपना सर पर कपड़ा ढक दी, क्योंकि कोई लड़की थी वो सर पर कपड़ा ढक दी, और आ करके फिर हमारे और एक प्रभु थे उनका हाथ पकड़ने लगे थे, पहले तो सोच रहे थे शायद हाथ नहीं होगा, हाथ पकड़ने लगे थे, फिर उसको बाद में फिर किसी मित्र किसी वैष्णव का कृपा से उद्धार होता है उनको, जब उन्होंने मंत्र पुत करके पानी दिया मैंने क्या किया, हमारे जो गुरुवर्ग थे ना उनके चरण में छुला करके मैंने पानी उस ग्लास में दिया, जो पानी मंत्र पुत पानी था उसमें, और हमारे भक्ति वेदांत नारायण को उसमें मार दिया, फटो को लेकर के उसको तो फटो को देखते डर गई नहीं चिंता कर रहे थे, लेकिन वो जो प्रणाम फिर उसको फटो को उसमें मैंने लेकर के फटो लगाया, वो चरणामृत दिया, चरणामृत देकर जब फिर उसको होश आई फिर
है, उसने सही होश में भूत होश में आकर के फिर मेरे पास में आता आती आकर के कहते हैं मेरे को उधार करो, मैं नरक जाना नहीं चाहता। भूत कहा मैं नरक जाना नहीं चाहता, आप मेरे को प्रवेश करो, मैं नरक नहीं जाऊँगा और मेरे को भगवान का नाम दो। मेरे को तो पता नहीं भूत बोल रहा नहीं, जब उसने ये बात बोली मैंने कहा इस हरिनाम लिए, जब वो हरिनाम मेरे से ली थी गले में कटती थी, लेकिन भूत आए ना प्रतिपुट जो फाट एक बार पूछने गले में ताबीज था नरसिंह देव को फेंक दिया उसने, बहुत छोटे उसने एक प्रसाद नहीं कर पाए ना, भूत आ गया ना उसको फिर मैं फेंक दिया सबके साथ। फिर बोल तो मेरा हरिनाम तो मैंने कहा पहले तो इसने हरिनाम ली, फिर दूसरे बार भी मेरे को मार रही है, फिर पता नहीं कौन प्रेम थे। फिर मैंने बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको तीन बार महामंत्र बोला, उसको तीन बार उसने महामंत्र बोली, फिर उसको बाद में बहस हो गई। जब बहस हो गई होकर के फिर वो भूख चली गई, फिर बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर उसको बाद में पढ़ते के बोलने लगे। फिर उसको जब उठाया पानी करके उठाया ना, और वो पीटे की पड़ रही थी वो लड़की, लेकिन उसका अंदर जो भूत था ना लगता है वही पढ़ रहा था, और कोई उसका दोस्त भूत थी कोई उसने फांसी लगा कर मरी। लेकिन जब उसको होश आई जो चार साल का जो पढ़ाई थी ना, उसको चार साल से भूत था, सारे पढ़ाई था सारी पढ़ाई भूल गई, उसमें नौ क्लास का जो पढ़ाई थी वो पूरा उसी में आ गई, पूरा उसकी घर के घेर में कपड़ा इतने बड़े बड़े, उसका नौ साल की याद है अभी, इतने बड़ी हो गई जो बेटे बड़े तो भूल गई सब सब करे कपड़ा इतने बड़े क्यों, आश्चर्य इतने बड़े बड़े हमारे कपड़े क्यों। तब आ रही थी उसने जो जोगी का फटो मैया जोगी का फटो देखा, लेकिन जोगी का तब कुछ दिन पहले वो मंत्री बैठी, कहते भैया ये कौन है ये जोगी, क्या कोई अच्छा आदमी है बुला के लिए अभी यहाँ के भूत तो भूल गई थी। तो उसको अपना भूत का सवाल था ना, वो सारे काम भूत किया करते थे सारे काम, इसलिए इसलिए गौरव में महाराज जी के जो भूत का घर में उनको रहने के लिए स्थान दिया ना, भूत को घर में उनको उन्होंने उधार किया भूत, और उधार करते हुए अभी जो भुवनेश्वर में वहाँ पर जो मंदिर है, फिर उन्होंने वो मंदिर को उन्होंने आप सोच नहीं सकते उन्होंने जो प्रचार किया, अभी हम लोग को बड़े आसानी प्रचार करना घर घर में जाओ बढ़िया प्रसाद देते हैं और बढ़िया हैं प्रणाम देते हैं और गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। उन्होंने जो प्रचार किया ना उनका एक शिष्य था, वो क्या करते थे वो साइकिल में उसने इन्होंने पीछे में बैठ जाते साइकिल के ऊपर, और इनको साइकिल से ना एक जगह से दूसरे दूसरे से तीसरे जगह लेकर प्रचार करते, कैसे प्रचार करते थे उनको तो कोई जानते नहीं, हमको तो घर में बुलाते और प्यार से हमें बैठाते समय नहीं, जब देखते थे कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए मार्केट में वो जाकर के एक खड़े हो जाते और खड़े होकर हरी कथा बोलना शुरू करते, खड़े होकर हैं खड़े होकर के हरी कथा बोलना शुरू कर देते थे, और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे कथा सुनते थे। इन्होंने कैसे इतने कष्ट करके उन्होंने ये प्रचार किया, इतनी कष्ट सह करके उन्होंने प्रचार किया। प्रचार ऐसे नहीं हो जाते, ऐसे नहीं आराम से रहो खाओ पियो इसमें बुलाया गए, प्रचार ऐसे नहीं होता, प्रचार करने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, जी जान दी रात। हम जो मथुरा में थे हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज वो क्या करते थे बोले कैसे प्रचार करते थे तो तुम लोग कुछ सीख लो, कहते थे मठ मठ में बैठने पर प्रचार नहीं हो जाएगी, इसलिए आप बैठे आज खाए और मठ में सो गए ऐसे प्रचार नहीं होगा, इसलिए कैसे प्रचार मथुरा में करते थे गुरुदेव बोलते थे हम आपका घर में आएंगे कीर्तन करेंगे जबरदस्ती जबरदस्ती बोलते आप हमको घर में बुलाओ हम कीर्तन करेंगे, गुरुदेव को चाहिए बोले कुछ जरूरत नहीं देने का एक दूसरे से दर्द दे देना, और बोलते थे केवल हमको बैठने के लिए बिछाने के लिए कोई चादर बिछा देना बोलते चादर दे देना। फिर बोलते थे अगर तुम्हारे घर में चादर भी नहीं होगा ना चादर भी नहीं होगा हम अपना मठ से ले आएंगे, मठ से ला करके आपका कबल हमको बैठने के लिए थोड़ा जागा देना। तब गुरुदेव ऐसे जाकर प्रचार किया और हमने देखा हम तो जाते थे गुरु जी के साथ रात ग्यारह बारह 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 बजे तक ऐसे जाकर के एक एक किलोमीटर दो दो किलोमीटर चल कर
किया है और जो कीर्तन करके 11-12 बजे रात खत्म होने की, फिर वहीं से जब हम जाए नहीं उस समय में वृंदा करता, लेकिन कीर्तन करते करते फिर हम आते थे, जो कीर्तन करते करते क्योंकि सबको ताल में कीर्तन पड़े, इनके भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। गुरुदेव ऐसे प्रचार करते करते उन्होंने ऐसे उन्होंने गुरुदेव ने प्रचार किया है ना, घर घर में गौड़ी मठ, गौड़ी मठ का कीर्तन, मथुरा में जितने कलाकार लोग थे सबके सब आते थे, सबको गुरुदेव एक एक भजन गाने देते थे, तुम्हें की भजन गाओ, तुम्हें की भजन गाओ, तुम्हें 10-15 हो जाते थे, एक एक भजन गाते थे, अरे गुरुदेव हरी कथा सुनाते थे। जितने गुरुदेव की प्रचार हुई, जितने मथुरा के प्रचार, पूरा मथुरा में कुछ भी हो गौड़ी मठ के बाबा को बुला, गौड़ी मठ के बाबा को बुला, है गौड़ी मठ के बाबा को बुला, इसलिए महाराज की गृह प्रवेश बैठ कर खाना, इसलिए महाराज की इतनी प्रसिद्ध हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि गुरुदेव आकृष्ट सह करके जाकर उन्होंने उनको इतने परिश्रम किया, उनका 3 बार पेट का अपरसन हो गया, अपरसन 3 बार हो गया गुरुदेव, इसलिए उन्होंने इतने कष्ट सह करके उन्होंने प्रचार किया। प्रचार ऐसे नहीं हो जाता, बहुत कष्ट करना पड़ता है, कष्ट के बगैर खाए पिए और सो गए मंदिर में, वो ऐसे प्रचार नहीं होगा, प्रचार के लिए तो प्राण देना पड़ेगा, तब जाकर के ही प्रचार कर सकते हैं, इसलिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने भी साइकिल को पीछे जा जाकर के उन्होंने जा जाकर गांव गांव में उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करते हुए उन्होंने फिर उन्होंने जब मंदिर जब वहाँ पर उन्होंने स्थापन की गई मंदिर, बहुत कष्ट से उन्होंने मंदिर को स्थापन किया, जब स्वामी महाराज वहाँ पर आए तब उन्होंने तो गुरु जी आए उनके लिए कोई अच्छे स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए, तब उन्होंने किसी गृहस्थ घर में रख रहने का व्यवस्था किया, इन घर का अच्छा सा, लेकिन उन्होंने आकर बोले नहीं, बोले गौर गोविंद महाराज जहाँ पर मैं वहीं पर रहूँगा, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा, ये किसको पास में रहूँगा, स्वामी महाराज इन्हीं को पास में आकर रहे और बोले एक दिन ये मंदिर ऐसे होगा सारा दुनिया में कोई प्रसिद्ध मंदिर होगा और इसका कलेक्शन से सारा दुनिया चलेगा, इसलिए अभी भी वो मंदिर में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, भुवनेश्वर में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, सुंदर मंदिर है और कितने ब्रह्मचारी वहाँ पर 60-70 ब्रह्मचारी रहते हैं, अलग 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 जगह पर ये सब के सब प्रचार करने के लिए ये अलग अलग जगह पर जाते हैं प्रचार करने के लिए, इसलिए इन्होंने ऐसे ही उन्होंने प्रचार किया। बोले एक समय क्या हुआ है, बोले एक लोकनाथ दास गोप लोकनाथ महाराज थे इस्कॉन मंदिर में, इन्होंने पद यात्रा निकाली, पद यात्रा में चलते 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 उनके साथ में गौर नित्यानंदपुर महाप्रभु नित्यानंदपुर गुरु ठाकुर जी थे, तब उन्होंने पद यात्रा करते करते भुवनेश्वर में आए, आके उन्होंने गौर नित्यानंदपुर को उन्होंने जैसे मंदिर में उनका मंदिर में रख लिए, रख करके फिर एक दो दिन बाद में कहीं यहाँ पर प्रचार करके फिर जाएंगे, जब वहाँ ठाकुर को रखे ना रात में ठाकुर स्वप्न देते हैं, कहते मैं यहाँ से और जाना नहीं चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता, मेरे कहीं छोड़ करके जाओ, फिर से ठाकुर जी वहाँ से नहीं गए, ठाकुर स्वप्न दिए मतलब मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए फिर ठाकुर जी मतलब जितना जैसे ठाकुर जी साखी हो पा गए ना, जैसे वृंदावन से चलते 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 उड़ीसा चले गए, उसी तरह भगवान जैसे गोपाल जी है नाथद्वार में गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को बोले तेरे लिए मैं बड़े दिन से रहा देख रहा था, कब माधवेंद्रपुरी आकर मेरी सेवा करेंगे, उसी तरह इनको पास में ठाकुर है तो डूब ही गए ठाकुर और गए नहीं, फिर पहले इनके मंदिर में कृष्ण बलराम था लेकिन पहले राधा रानी थी नहीं, लेकिन जो पुजारी होता था जब वो सवेरे जाकर देखता था वहाँ पर कृष्ण नहीं थे, कृष्ण नहीं वहाँ पर, अब देखो तो कभी कभी कृष्ण कभी कृष्ण नहीं, फिर उन्होंने गौर गोविंद महाराज को ठाकुर स्वप्न दिए, बोले मेरे को अकेले खड़े कर दिए हो, मेरे पास में राधा रानी है, राधा रानी के बगैर मेरे मन कैसे लगेगा, इसलिए राधा रानी को यहाँ स्थापित कर, फिर उन्होंने राधा रानी को फिर वहाँ पर उन्होंने राधा रानी को स्थापित किया है, इसलिए ये क्या करते थे रात को जो सोते थे ना सोने से पहले उन्होंने दूध पी कर एक गिलास दूध पी करके सो जाते थे, क्योंकि ये सवेरे सवेरे उठ कर भजन करते थे हरिनाम करते थे, सवेरे उठ करके हरिनाम करते थे, इसलिए केवल दूध पी करके सो जाते थे, क्योंकि आप देखना अगर रात को जितने प्रसाद पाओगे रात में अगर प्रसाद पर पेट भारी हो जाता है, अगर पेट भारी हो जाने पर फिर
सागर नीति साज में नहीं बोलती है। एक्चुअली इस पर में उनका नियम है, इस पर में सागर दस बजे एक बार प्रसाद पा लेते हैं, शाम को एक बार 5 बजे प्रसाद पा लेते हैं सूर्य अस्त से पहले, और रात को अगर हो तो थोड़ी दूध एक ग्लास ले लें। फिर उसमें क्या होता है ना, सवेरे नींद खुल जाती है, सवेरे नींद खुल जाती है, फिर सवेरे बैठ करके हरिनाम कर सकते, नहीं तो पेट खाली होगा ना, फिर तो नींद ही नींद आएगी है। इसलिए नियम है, वो ऐसे ही भजन साधन करते थे, इसलिए नियम है जिनको साधन भजन करनी चाहिए, कैसे नहीं कोई आकर के हमें बुलाए कर हमें नहीं, नहीं तो सोते रहो, नहीं तो सोते रह जाओ, इसको भक्ति नहीं कहते, भक्ति है नहीं आरती से पहले उठो, उठ करके नहा धो करके अगर समय हो तो हरिनाम करो, हरिनाम करो है, इसलिए नियम है। इसलिए हमें कोई उठाए जगाए करता हम जगेंगे पहले हरिनाम करें थोड़ी इसको भजन करें, इसलिए हमारी नेचुरल रूप में हम भक्ति करनी चाहिए, नेचुरल रूप में हमें जगाने का किसको कोई जरूरत नहीं, बिना जगाए हमें जगनी चाहिए है। इसलिए वो दूध पीते थे, एक ग्लास दूध पीते थे सो जाते थे, किसी ने बोल दिया महाराज दूध पीते हैं हमें दूध पीता है, किसी ने बोल दिया दूध पीते बस, जब किसी ने बोल दिया ना उन्हें दूध पीना छोड़ दिया, तब से उन्हें दूध पीना छोड़ दिया, आज से हमें दूध नहीं पीता, दूध के लिए बात सुनना पड़ता है, यदि वो गुरु जी थे उन्होंने दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए कहते ये इतने सुंदर में जब कोई में था, मेरे बचपन से भावना होती थी जे हरिकथा से फिर अंदर में मैं अच्छे हरिकथा बोलना मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन सोचता था हरिकथा से मैं तो कहाँ सीखूँ, हाँ हमारे जो गुरु जी वो तो चले गुरुदेव चले गए हैं कुछ दिन में, तो गुरुदेव चले गए अभी हरिकथा से कहते कहा, मैंने सुना अभी यहाँ पर दो व्यक्ति है जो बड़ी सुंदर हरिकथा बोलते बच्चे को भी सिखा देते हैं, मैंने एक तो मथुरा में इसलिए भक्तिवत नारायण गोस्वामी महाराज और दूसरे श्री भुवनेश्वर में श्री गौरव गुरु महाराज, ये दो व्यक्ति बड़े सुंदर हरिकथा बोलते हैं हैं। लेकिन पहले हमारे जो गुरु जी का जो मठ है ना वहाँ से ऐसे नहीं जब इच्छा हो मंदिर से कहीं चले जाओ, जब इच्छा हो मंदिर से निकल कर चले जाओ, हमारे मंदिर में गुरु जी के मंदिर में जो नियम नहीं, एक तो किसी को अकेले किसी ब्रह्मचारी के मंदिर से बाहर जाने नहीं देते, हमारे मंदिर में गुरु जी के पाठ नहीं हो, कोई अकेला ब्रह्मचारी मंदिर से बाहर जाए एकदम आदेश नहीं, जाए तो कुछ सीनियर वैष्णव की आधिपत्य में ही मंदिर के बाहर गया रहे, नहीं तो हमारे मंदिर से बाहर निकलेगा नहीं है, इधर जाने के लिए घूमने के लिए उधर जाए एकदम हमारे गुरु जी मंदिर में एकदम एकदम बिना आदेश को इंडस्ट्री के नियम है, नहीं तो हम क्योंकि हम साधक है ना, पता नहीं अकेले कहाँ जा कर कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ जाकर किसी गृहस्थ घर में जाकर किसको जाकर प्रेम करा दे, इसलिए गुरुदेव का स्ट्रिक नियम था मंदिर से ब्रह्मचारी अकेले बाहर नहीं जानी चाहिए, जाए तो किसी सीनियर वैष्णव के आनुगत्य से ही मंदिर बाहर निकले, क्योंकि हम बद्ध जीवे, हम बद्ध जीवे, जाकर कहीं भजन का नाम पर कहीं जाकर के हंस नहीं जाए, पूरा एकदम स्ट्रिक नियम था हमारे मंदिर में। इसलिए मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी जे हरिकथा सीखे हरिकथा सीखे, खैर क्या हुआ मैंने सुनता था कि गौरव गोविंद महाराज और एक श्री भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज की बड़ी सुंदर ये हरिकथा बड़ी सुंदर हरिकथा बोलते हैं, अभी मेरे मन में इच्छा होती थी, जब इच्छा होती थी किसी कारण बसा था क्या हुआ, वहाँ पर एक नंदन प्रभु थे जिन्होंने मेरे को मथुरा में भेजे जाओ, वहाँ पर नारायण गोस्वामी महाराज बच्चों को बड़े प्यार करते हैं हरिकथा सिखाते हैं, तुम वहीं पर जाओ, वहाँ से फिर मैंने मथुरा में गुरुदेव जो अप्रकट हो गए उसको बाद में फिर मैंने मथुरा में फिर मथुरा में मथुरा में आया। इसलिए गौरव गोविंद महाराज इतने अच्छी हरिकथा बोलते थे कि इस्कॉन में ना उनकी हरिकथा सुनने के लिए दूसरे दूसरे जो शिष्य है ये सब के सब इनके पास मानस होते थे, और जितने लीडर थे सबको दौड़ा था और हमारे शिष्य उनको पास में हरिकथा सुनने के लिए जा रहे हैं, इनको करके बिगड़ गए। जब ये हरिकथा भुवनेश्वर में रहते थे बहुत सारे अंग्रेजी के शिष्य लोग थे, जब हरिकथा ये सुनाते थे हरिकथा तीन तीन चार चार घंटा घंटे लोग उड़ीसा के लोग थे उनके लिए गुड़िया का समय अलग, जो अंग्रेजी थे उनको बाद में अंग्रेजी भाषा में उनको हरिकथा सुनाया करते थे उनको, और चार
जाने जब विदेश में भेजे हमारे हरी कथा बोलना शुरू कर दिया। हरी कथा एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, तब जब फिर जब दो घंटा हो गया तब तो मैंने मंगलाचरण नहीं वो संजपुरी वाला काम मुझे बता आज बनवा है पहले तो वो अज्ञात में से कहते ना तब तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया। फिर जो बोलते थे एक घंटा दो घंटा लगातार इतनी कथा सुना करती इनका जो हृदय इनकी इंटरव्यू कथा अब देख लेना आज देख लेना गौरव गोविंद गोस्वामी महाराज बड़े सुंदर आई कथा चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत जैसे किया है और उनको बोलने का टेक्निक और कोई सामने जो ब्रह्मचारी होता ना वो पूरा स्ट्रीट बात ऐसे कोई छुपा करके नहीं सही बात बता देगा उनको है। भक्ति करनी चाहिए, भक्ति वैराग्य पूर्वक रहनी चाहिए। इसलिए ये जो इनका जो रहन सहन था सादा के कपड़ा पहनते थे लेकिन इसको के कुछ लीडर होते थे जो लोग एकदम रेशमी कपड़ा है एकदम रेशमी कपड़ा पहनते थे एकदम चले थे तो कहते थे महाप्रभु खुद कहते भालना खाई बिहार भालना पड़ी महाप्रभु का आदेश है बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया पहनना नहीं है। महाप्रभु का आदेश है ये कोई साधु का लक्षण है सीधा बोल देते थे और एकदम सीधा बड़े बड़े सन्यासी लोग भी सीधा बोल देते थे महाप्रभु का सीखा है महाप्रभु सब चीज सीखा दिया महाप्रभु ने महाप्रभु का सीखा है सीधा हाथा खाओ सीधा हाथा पहनो और भगवान की भजन करो। इसलिए इनको इस कौन के जो लीडर लोग होते थे डरते थे सीधा बोल देते एक बार तथा और एक बैठे हुए सन्यासी जब बैठे हुए तो उनने पूछ लिए बोले बताओ तो अजामिल ने जब नारायण नाम उच्चारण किया कितने दूत आए कितने दूत आए थे हैं कितने दूत आए थे। फिर उन्होंने बोले जब कितने फिर जो नारायण नाम लिया कितने विष्णु दूत आए थे कितने जम दूत आए थे बोलो और क्यों क्यों आए थे तो बोलो। जो उन्होंने बोले कोई बोल नहीं पाए कोई बोल नहीं पाए इसलिए वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे शास्त्र पढ़ते थे प्रश्न करते थे इनकी जवाब कोई ठीक ठीक से कोई जवाब इनकी नहीं दे पाता था। इसलिए बहुत इस पर लीडर बहुत डरते थे हैं डरते थे पता नहीं कब क्या किया बोल देंगे कब क्या बोल देंगे इसको सब सब इनको डरते थे। इसलिए इसलिए विदेश जब उन्हें प्रचार करने के लिए विदेश में प्रचार करने के लिए गए एक कोई व्यक्ति बहुत सारे वहाँ लीडर हैं इस पर में तब उनकी कथा सुनते थे बोले हम इनको ही अपना गुरु रूप में वर्ण करेंगे लेकिन वो सोच रहे हैं तभी मैं गुरु रूप में इनको वर्ण करूँगा। जैसे वो क्या करते थे तो गले में माला पहना करते थे वो माला को ऐसे ऐसे माला को वहाँ फेंकते थे हाँ सबके पास फेंकते माला ऐसे देते थे फेंकते थे तो उन्होंने बोले अगर इन्होंने एक माला मेरे ऊपर में फेंकेंगे ना मेरे ऊपर में अगर उनको प्रसाद माला फेंकेंगे तो मैं समझूंगा मेरे बात हृदय की बात समझते हैं फिर उनको गुरु रूप में वर्णन करूंगा। सचमुच से उन्होंने गला से माला निकाले और ठीक उनको कर दिया पूरा उन्होंने माला उसको कर दिया देखा तो समझ गए भैया मेरे हृदय की बात उन्होंने समझ गए। एक समय क्या हुआ जैसे उड़ीसा में उनको ब्रह्मचार्य को भेजते थे जाओ गाँव गाँव में प्रचार करो गाँव गाँव में जाकर के इसको बैठने नहीं देते हैं जाओ गाँव गाँव में जाकर के गाड़ी लेकर के प्रचार करो। गए तो अभी गांव में प्रचार करने के लिए गए इतने शहर में होते थे और गांव में जो पानी कभी कभी वहाँ पानी सही सही नहीं मिलता था शहर में तो अच्छा पानी मिल जाता था पहले तो फिल्टर नहीं होता था वहाँ पर तालाब का पानी अभी भी हमारे तीर्थ महाराज जहाँ प्रचार करते वहाँ भी तालाब है पहले उसी तालाब का पानी उसे ही बनना उसमें शौचक्रिया भी हो जाया करते थे तालाब भी वही बड़ा है उसी में गाँव की है ना इसलिए उनको पी कर ना उनकी बोगियाँ जो खुजली वो बीमारी हो गई खुजली बीमारी हो गया जो गुरु जी को पास में तो पत्र कहते बोले गुरु जी ये पानी पी कर ना सबका खुजली हो गई है इसकी खुजली हो गई। फिर उन्होंने वहाँ से आशीर्वाद दिया तो शिष्यों को फिर उनकी सबके सब वो सही हो गए। इसलिए कहते उन्होंने कहते उन्होंने अपरकट कैसे हुआ है इसलिए शास्त्र ने एक बात बताया कहते अगर भगवान को पहचानना तो किससे पहचानो बोले चरण से भगवान को पहचानना तो चरण से और साधु को पहचानना तो मन से और शंकर भगवान को चरण से क्योंकि भगवान के चरण में शंकर चरण गदापद में साधु को पहचानना तो मन से हैं मृत्यु से को देखो इनका क्या मृत्यु महाप्रभु की जैसे नवद्वीप परिक्रमा होता है ना होली में ये महापुरुष वहाँ गए हुए थे मायापुर में हरिकथा
हरि कथा बोलते 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 हरि कथा इतने सहज मध्वाचार्य को उन्होंने तरह-तरह उपनिषद उन्होंने बोलते पाठ करते करते ही देवतालों को स्वर्ग से उसको वृष्टि किया, उसमें ढक गए शरीर छोड़े। ये महापुरुष भी हरि कथा बोलते बोलते अच्छी होगी, इसलिए इनकी बड़ी सुंदर सुंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर कथा है। इसलिए शाम को शाम को और कथा हम श्रवण करें, ठीक है। जब अच्छा अधिकता आनंद।